नमस्कार, मैं शिप्रा विश्वकर्मा। मैं आज आई हूँ एक बहुत अच्छी रेसिपी लेकर, जो जीभ से पानी आ जाती है, देखने से ही बहुत ही मज़े लगती है। मैं आम का मीठा अचार लेकर आई हूँ आप लोग के सामने। देखिए, मैं नमक हल्दी डालकर धूप में थोड़ा सुखा ले रही सुखा ली हूँ, और फिर थोड़ा सा नमक हल्दी डालकर मैं इसको रखी हूँ। और मेरा आम यहाँ 1.5 किलो आम है, तो मेरा 700 चीनी डाल रही हूँ। और ये नमक और चीनी से देखिए पिघल कर पानी निकल जाएगी। मैं इसको मिलाकर 1 घंटा के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ। 1 घंटा के लिए मैं छोड़ दी, थोड़ा ढककर छोड़ दे रही हूँ इसको। मैं छोड़ दी और मैं देखिए 1 घंटा के बाद मैं फिर आई हूँ। देखिए, इसमें से पूरा चीनी पिघल गया है। और अब मैं इसको कढ़ाई में डालूँगी। और एक बहु इसमें देखिए थोड़ा सा मैं चला ले रही हूँ, अच्छी तरह से ऊपर नीचे चला ले रही हूँ। और थोड़ा काला जीरा अजवाइन मैं डाल दी हूँ इसमें। कढ़ाई अभी ऑन नहीं की हूँ, कढ़ाई का गैस ऑन नहीं की हूँ मैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके आम सब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इसमें आम डाल दे रही हूँ इसमें। देखिए, इसमें डालकर अब मैं इसको फ्लेम ऑन कर दूंगी। और अभी थोड़ा सा हाई फ्लेम है, लेकिन मैं इसे लो फ्लेम में कर दूंगी। लो फ्लेम में ही मैं इसको पकाऊंगी। थोड़ा ऊपर नीचे चला दे रही हूँ। और इसमें से पानी बहुत ही निकल जाएगी। घबराने का, चिंता करने का कोई बात नहीं है, सारा पानी इसमें ही सोख लेगा। और ये पूरा सुंदर से बनकर तैयार होगी। देखिए, मेरे पास सौंफ पाउडर है, थोड़ा मिर्ची पाउडर है, जीरा पाउडर है और काला नमक है। देखिए कितना पानी निकल गया है। आम नमक चीनी से बहुत सारा पानी निकल गया है। ही पानी में वो आम कुक हो जाएगी। और इसको मैं थोड़ा लो फ्लेम में रख दे रही हूँ। और ये ढक 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 कर मैं 2-3 बार इसको मैं चला कर इसका मैं पानी सुखाऊंगी। पूरा पानी, देखिए कितना पानी निकल गया है। और इस यही पानी में वो आम तैयार हो बनकर तैयार हो जाएगी। वो आम कुक भी हो जाएगी, लेकिन वो गलेगा नहीं पूरा। आम का अचार तो आपने बहुत सारा खाए होंगे, हर एक आदमी। देखिए, मैं थोड़ा सा मसाला डाल दे रही हूँ, इसमें मसाला ऐड कर दे रही हूँ। और थोड़ा सा सौंफ पाउडर मैं थोड़ा रख दे रही हूँ। आम का अचार तो आपने बहुत तरीक़े से खाए होंगे, इस बार भी इसी तरह खाइए एक बार बना के। ये मेरा नानी मम्मी लोग सब इसी तरह बनाती थी और इसको स्टोर कर रखती थी, बहुत साल भर स्टोर करके रखती थी इसके अचार को। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। मैं भी स्टोर करके रखती हूँ। और एक अचार साल भर में ख़राब होने का कोई चांस नहीं रहता है। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टफुल होती है ये अचार। और थोड़ा सा भी आम गलता माने गल के ही नहीं हो जाती है। और इसमें एकदम खरा खरा ही आम रहता है, लेकिन आम सीज जाती है। थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्ची भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इसी तरह मैं धीरे धीरे चला कर इसका सारा पानी मैं सुखा लूँगी। और सुखाने के बाद मैं इसका, देखिए कितना पानी आस्ते आस्ते सोख लिया है। आम थोड़ा गला भी नहीं है और आम नरम हो गया है, लेकिन टूटा भी नहीं है। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे साल भर स्टोर करके आराम से रखिए, कोई ख़राब होने का चांस नहीं है। डेक्ची में मैं ढाल कर रख दे रही हूँ। और ऊपर से मैं देखिए थोड़ा सौंफ पाउडर मैं ऐड कर दी खाने में। ये सौंफ का पाउडर बहुत ही टेस्टफुल लगती है खाने में। कढ़ाई खाली कर दी और इसमें सारा आम ढाल के रख दी। अरे, अचार बनकर तैयार हो गई है। प्लीज़ आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।